साहित्य आप सबको मेरा नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है। हर साल हम 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारे शाला में मिठाई बांटते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे कि मार्च फास्ट और बैंड बजाना और झंडा फैलाना। इस दिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रचना किया था। आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस का शुभकामनाएं। आप सबको मेरा धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय प्रधान आचार्य जी और मेरे शिक्षकगण और मेरे सभी सहपाठियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम दयाना एंडी है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। इस वर्ष भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। 26 जनवरी सन 1950 को लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। हर साल राजधानी दिल्ली में उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राजकीय सवारी निकाली जाती है। भारतीय सेना जल थल और वायु सेना के द्वारा राष्ट्रपति जी को सलामी दी जाती है। परेड में सेना द्वारा दिखाए जाने वाले उपकरण और हथियार हमारे आर्म फोर्स की शक्ति को भी दर्शाया जाता है। हमारे स्वतंत्र सैनियों के बलिदान की वजह से हम अभी आजाद और खुश हैं, और इसीलिए हम उन सभी योद्धाओं को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए। गणतंत्र दिवस पर उन सभी जवानों को पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया जाता है, जिसके द्वारा सशस्त्र बलों का प्रयोग करके आर्म फोर्स को दर्शाया जाता है। अब अंत में बलिदानों का सपना जब पूरा हुआ तभी हमारा देश आजाद हुआ। आज सलामी दे उन वीरों को जिनके शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम युवन शंकर है। आदरणीय गण और मेरे साथियों, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इसे सभी धर्मों के लोग समान भाव से मनाते हैं। इसका संबंध किसी धर्म जाति से ना हो कर राष्ट्र होता है। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम शान सिद्धार्थ है। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 1950 में हम इस त्योहार को मनाते हैं। हमारे भारत के वीर सैनियों ने उनकी जान भी खो के हमारे लिए आज़ादी दी थी, और हम इस
त्योहार को धूम धमाके मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।